Good morning, students. Myself Pooja Chandak. I am working as a teacher in Lord Krishna International School. Welcome, class 1. I hope you all people are fine. Please stay safe, stay home. Today we will teach chapter number 2 from English. ये चैप्टर में एक स्टोरी है, अ स्नेल स्टेल. स्टोरी की स्टेल किससे रिलेटेड है? स्नेल से. ये किसकी पिक्चर है? स्नेल की. चलो पहले हम इस स्टोरी को बुक से रीड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपको पूरी इसकी समरी बताऊंगी. अ लिटिल स्नेल कॉल्ड लिली लिव्ड इन अ गार्डन. एक छोटी सी स्नेल है. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नेल. उसका नाम क्या है? लिली. वो कहाँ रहती है? गार्डन में, मतलब बगीचे में रहती है. शी वॉज वेरी स्मॉल फ्रॉम हर नोज टू हर टेल. वो बहुत ही छोटी है, नोज से लेके टेल तक. टेल मतलब उसकी पूंछ तक, नाक से लेके उसकी पूंछ तक वो बहुत ही छोटी है. देखते हो आप इसका साइज, बहुत छोटी है ये. लिली हैड अ राउंड एंड बिग शेल ऑन हर बैक. द शेल वॉज हर होम. देखो इसके बैक पे क्या है? ये शेल है. ये शेल क्या है? उसका होम है. बट द शेल वॉज हैवी. लेकिन क्या है? ये शेल बहुत ही हैवी है. लिली खुद कैसी है? बहुत छोटी है. उसके नोज से लेके टेल तक बस उसकी बॉडी इतनी सी है, बट उसका एक शेल क्या है? बहुत ही बड़ा है, बहुत ही हैवी है. व्हाइल ट्राइंग टू क्लाइंब अप हिल लिली क्राइड. जब वो हिल में ऊपर की साइड जाती है, हिल मतलब पहाड़ी में, पहाड़ी को चढ़ती है, तब वो रोने लग जाती है. ओ माई, इट इज जस्ट नॉट फेयर. ये एकदम भी फेयर नहीं है. फेयर नहीं है मतलब सही नहीं हो रहा है मेरे साथ. वो ये बोल रही है कि मेरी बॉडी इतनी छोटी है, बट मुझे इतना बड़ा शेल मिल गया और ये कितना हैवी है, उसे लेके चलना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. Why must I carry my shell everywhere? हमेशा मैं अपने शेल को क्यों मेरे साथ लेके चलूं हर जगह? One day, when she was on her way down the hill, she met a big crow called Blackie. एक दिन क्या होता है? जब वो अप हिल से डाउन, मतलब वो पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ जब जा रही होती है, तो वो किससे मिलती है? एक बहुत बड़े क्रो से मिलती है, कौवे से मिलती है, जिसका नाम क्या है? ब्लैकी. ब्लैकी ट्राइड टू कैच द स्नेल. स्नेल ब्लैकी क्या, ब्लैकी क्या चाहता है? वो स्नेल को कैच करने की ट्राई करता है, बिकॉज वो तो उसका फूड है, वो तो उसे खा जाएगा पकड़ेगा तो. ही पिक्ड हार्ड बट लिली हाइड सेफ इनसाइड हर शेल. वो क्या करता है? उसे बार बार चोंच मारता है. पिक करना मतलब चोंच मारना, उसके शेल पे बार बार चोंच मारता है. और लिली क्या करती है? अपने आप को छुपा लेती है अपने शेल के अंदर. जैसे टॉर्टोइस पता है आपको, वो अपने शेल में छुप जाता है, वैसे ही ये स्नेल भी अपने शेल के अंदर छुप जाएगी, जिससे उसे कोई कुछ कर भी नहीं सकता. ब्लैकी गॉट बोर्ड एंड फ्लू अवे. क्या होता है? वो बार बार चोंच मार के थक जाता है. वो तो बाहर आती है नहीं, तो वो थक के क्या करता है? उड़ जाता है, वो बोर हो जाता है फिर. लिली स्टेड इनसाइड हर शेल फॉर मैनी डेज. लिली अपने शेल के अंदर बहुत दिनों तक रह सकती है. व्हेन शी केम आउट शी सेड एवरीवन शुड हैव होम्स लाइक मी. जब वो शेल से बाहर आती है तो वो क्या बोलती है? सबके पास मेरे जैसा घर होना चाहिए. देखो स्टार्टिंग में जब ये स्टोरी हमने रीड करना स्टार्ट की थी, तब तो वो रो रही थी कि हम मेरे जैसा हैवी घर किसी के पास नहीं होना चाहिए, मुझे अपने घर शेल को हमेशा अपने साथ लेके क्यों जाना पड़ता है. तो रोती है, फिर एंड में क्या बोल रही है? एवरीवन शुड हैव अ होम लाइक मी. सबके पास कैसा घर होना चाहिए? मेरे जैसा ही घर होना चाहिए. वो अपने शेल से बहुत ही हैप्पी होती है. चलो वन टाइम हम इस स्टोरी की समरी वापस देख लेते हैं. इस स्टोरी में क्या है? एक स्नेल है जो बहुत ही छोटी है, अपनी नोज से लेके अपने टेल तक. उसका ये बहुत बड़ा घर है, उसका जो शेल है वो उसका घर है. जब वो अप हिल जा रही होती, पहाड़ी के ऊपर चढ़ती होती है, तब वो रोने लग जाती है कि ये हैवी शेल जो मुझे हमेशा अपने साथ लेके जाना पड़ता है,
पड़ता है, ये मेरे साथ फेयर नहीं है। बट एक दिन जब वो नीचे आ रही होती है पहाड़ी से, तो वो एक कौवे से मिलती है और ब्लैकी क्या करता है, उसे बार बार चोंच मारता है, उसे खाने के लिए ट्राई करता है। बट वो क्या करती है, अपने शेल के अंदर छुप जाती है, जिससे ब्लैकी कुछ कर नहीं पाता और वो बोर होके उड़ के चला जाता है। तब वो एंड में काफी दिनों बाद बाहर निकल के क्या बोलती है, काश मेरे जैसा घर सबके पास हो, मतलब वो बहुत हैप्पी होती है अपने शेल से। ओके, तो अब ये चैप्टर की स्टोरी की जो भी ग्लॉसरी है, अपहिल। अपहिल मतलब गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ अ हिल और स्लोप। अपहिल मतलब पहाड़ के जो ऊपर जाते हैं वो एकदम ऊपर चढ़ना पहाड़ में। फेयर टू बी राइट, फेयर होना मतलब राइट होना। पिग मूव बैक क्विकली एंड पिग, उसे चोंच मारता है बार बार वो। बोर्ड लॉस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खत्म हो जाना। स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, हम स्टडी करते करते हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बट नहीं, स्टडी करनी चाहिए कंटिन्यूसली और एकदम अच्छे से खुश होकर करनी चाहिए। बट इस बोर्ड में क्या है, क्रो को जो है बार बार पिक करने में जब उसे स्नेल नहीं बाहर आता है, स्नेल बाहर नहीं आता तो वो बोर होके उड़के चला जाता है। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स में क्या होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। शेल बेल, डाउन ब्राउन, फ्लू ब्लू, कम नेम। फिर दीज आर द हार्ड वर्ड्स, जी ए आर डी ई एन, गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा, जहाँ पे कौन रहता है, स्नेल रहती है। टी ए आई एन टेल, टेल मतलब उसकी पूंछ। टी ए एल ई टेल मतलब स्टोरी और टी ए आई एन टेल मतलब पूंछ। सी एल आई एन बी क्लाइम, क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना। एफ ए आई आर फेयर, फेयर मतलब राइट होना। अपहिल पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। क्रो, क्रो मतलब कौवा। एस एच ई डबल एल शेल, उसके इस होम को क्या बोला है, शेल। सी ए टी सी एच कैच, कैच करना चाहता था क्रो। बी ओ आर ई बी बोर्ड, बोर हो जाता है वो उसे पिक कर करके। तो ये आपकी स्टोरी है, आपको ये हार्ड वर्ड्स, ग्लॉसरी और राइमिंग वर्ड्स आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है और हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज है वो आपको वर्कशीट के थ्रू सेंड कर दी जाएगी। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से घर पे स्टडी कीजिए। गुड बाय।